हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो बेबी डायपर बैग होता है उसको कैसे असेंबल करके रख सकते हो, क्योंकि अगर चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी होंगी और आपको टाइम पे नहीं मिलेगी तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। तो ये वीडियो एक छोटी सी हेल्प होगी टू ऑल द न्यू मदर्स आउट देयर कि आप लोग कैसे अपना बेबी डायपर बैग असेंबल करके रख सकते हो, ताकि जब जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो मेस ना हो और आपको ईजी रहे चीज़ें ढूंढने। तो यहाँ पे जो बेबी क्लोथ्स थे उनको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के अब मैं उनको फोल्ड कर रही हूँ, तय लगा रही हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कपड़ों को तय लगाना, क्योंकि बीच बीच में आबू को भी पैम्परिंग चाहिए। Thank you.
तो जी मैंने सोचा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। और क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा है ये। एंड यस, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो बहुत पुराना है, इसमें आपको आबू भी छोटा लग रहा होगा। एक्चुअली ये वीडियो मैंने 5 मंथ्स पहले शूट किया था, बट सम हाउ मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी एंड अब जाके मैं इसको अपलोड कर पा रही हूँ। ये बेबी क्लोथ्स के साथ कुछ हमारे भी क्लोथ्स हैं जिनको भी मुझे तय लगाना था, बट इनको मैं अलग से रखूँगी। डाइपर बैग में जो क्लोथ्स डालने हैं उनको मैं अलग से रखूँगी। तो अगर आप यहीं तय लगाते लगाते ही इन कपड़ों को सेग्रीगेट कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा डाइपर बैग को असेंबल करना। सेग्रीगेट यानी कि अपने कपड़ों को अलग रखना और बेबी के कपड़ों को अलग रख दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे तय लगा रही हूँ बेबी के हैंकीज, ये भी आपको डाइपर बैग में रखना है क्योंकि इनकी भी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये कुछ हैंकीज है, 2-3 हैंकीज तो आपको रखने ही चाहिए मिनिमम। एंड उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सॉक्स, तो सॉक्स भी आपको ऐसे एक साथ ही रखने चाहिए ताकि इजीली आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे पैर्स यूज़ हो जाते हैं क्योंकि बेबीज़ गंदे करते रहते हैं, अगर वो टॉयलेट भी करेंगे तो सॉक्स भी गंदे हो जाएंगे। तो आप सॉक्स के भी एटलीस्ट मिनिमम 4-5 पेयर्स तो डाइपर बैग में रखिए। एंड उसके बाद ये देखिए पजामाज, तो जब नो डाइपर टाइम होता है, जब आप बेबी को डाइपर नहीं पहनाते हो, तो पजामाज आपके बहुत सारे यूज़ हो जाएंगे उस टाइम पर भी, तो पजामाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे जो क्लोथ्स है वो कैटेगराइज करके रख दिए हैं, जैसे कि ये दो टॉल्स है इनको मैं एक साथ रख रही हूँ, जो पजामाज है उनको मैं एक साथ रखूँगी, या फिर कोई हैंकरचीफ्स है उनको मैं एक साथ रखूँगी, सॉक्स को मैं एक साथ कैटेगराइज करके रखूँगी। तो इस तरह से जो है हमें फाइनल जो हमारा टास्क होगा उसमें हमें ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैटेगराइज करके रख रही हूँ, अलग अलग पाइल्स बना रही हूँ कपड़ों की, जैसे कि ये मैं पजामास रख रही हूँ, ये एक पाइल पूरे पजामास की है, साथ में आप देख सकते हो टाल है, और ये मैं स्वेटर्स जो है विंटर्स के वो एक साथ रख रही हूँ एक पाइल में, और ये टी शर्ट्स एक पाइल में। और ये जो सबसे राइट साइड आपको जो पाइल दिख रही है ये है पी सेफ मैट्स है बेबीज़ के,
जो कि बेबीज़ के सोने जब सोते हैं तो आप नीचे उनको यूज़ कर सकते हो, या जब बाथ टाइम के बाद वो आते हैं तो मसाज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये वो पी सेफ मैट्स हैं, इनकी भी मैंने एक पाइल बनाई है क्योंकि ये भी डेली यूज़ में आने वाली चीज़ है। तो अब मुझे फाइनली एक और चीज़ असेंबल करके रखनी है, वो है बेबी के कॉस्मेटिक्स। इनको मैं एक छोटे से ट्रे में रखती हूँ एक साथ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मीजोसॉफ्ट जो आजकल मैं फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो है, रैश क्रीम है, ये एक बॉडी लोशन जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया था वो है, बेबी पाउडर है इसमें, जो भी बाथ टाइम के बाद जो बेबी को यूज़ करने वाली आइटम्स है उनको आप एक बास्केट में रख सकते हो और वहीं से हर रोज़ आप पिक करिए, बेबी को अप्लाई कीजिए एंड वापस वहीं पर रख दीजिए, तो बहुत ईजी रहता है। तो फाइनली यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने असेंबल करके रख दी हैं जो मुझे अपने डायपर बैग में रखनी है, एक्सेप्ट फॉर द टाल। टाल नहीं रखूँगी मैं डायपर बैग में, बट जैसे कि पजामाज एंड सॉक्स हो गए आपके, एंड ये जो पी सेफ मैट्स है, ये सब चीज़ें, हैंकी, सॉक्स, ये सब चीज़ें मैं डायपर बैग में रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे वो असेंबल करके रख दी है और ये है मेरा डायपर बैग जो कि अभी बहुत ज़्यादा मैसी है, इसमें मुझे कुछ भी ढूंढना होगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, इजीली नहीं मिल पाएगा। तो अब फाइनली मैं इसको असेंबल करके दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये जो ग्रे कलर का डायपर बैग आप देख रहे हो ये मैंने फर्स्ट क्राई ऐप से मंगवाया था। तो ये जो डायपर बैग है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप देख सकते हो अंदर इसमें 3 कंपार्टमेंट्स है एंड बाहर इसमें 8 कंपार्टमेंट्स है, लाइक 2 बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स से बाहर एंड जो 6 कंपार्टमेंट्स है वो छोटू छोटू से कंपार्टमेंट्स है। तो आप देखना कि मैं ये इन सब कंपार्टमेंट्स को कैसे यूज़ करती हूँ। तो फिलहाल जो इसमें चीज़ें हैं उनको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, एंड फिर जो हमने चीज़ें असेंबल करके रखी है वो हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रख रही हूँ बेबी वाइप्स, ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, तो बेबी वाइप्स मैंने एक अंदर वाले कंपार्टमेंट में रख दिया है। बाय द वे ये बेबी हग ब्रांड के बेबी वाइप्स हैं तो ठीक है ये भी। एंड उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डाइपर्स, वो हम लोग यहाँ रखेंगे। ये पैम्पर्स के जो है डाइपर्स वो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक्टिव बेबी वाले जो आते हैं, एक्सेल साइज़ है ये, बहुत ही अच्छे, आई थिंक बेस्ट हैं ये, टेप्ड स्टाइल में है ये, लाइक टेप इसमें लगता है तो ये बहुत इजी रहते हैं लगाने के लिए भी। तो अब हम लोग रखेंगे, मैंने ये जो पजामा वाले पाइल है उसको पूरा उठा लिया है, एंड ये जो बड़ा वाला कंपार्टमेंट है ना, एक सिंगल बड़ा वाला कंपार्टमेंट, उसमें मैं सारे पजामाज रख दूंगी ऐसे। जो 3 कंपार्टमेंट्स थे उसमें से आप देख सकते हो हमने 2 कंपार्टमेंट्स फिल कर लिए हैं, 3rd कंपार्टमेंट में हम लोग रखेंगे सॉक्स। तो जितने भी पेयर सॉक्स के थे वो हमने यहाँ पे रख दिए हैं। क्योंकि ये विंटर्स का टाइम था गाइस, मैंने ये लास्ट विंटर में मैंने आपको बोला ये शूट किया था, तो विंटर्स में जैसे कि कैप्स भी यूज होती है तो ये मंकी कैप्स भी मैंने सॉक्स के साथ ही रख दिए। तो ये जो आइटम है ये है नी कैप्स, बेबी नी कैप्स है, ये नीज पे लगाते हैं, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई ऐप से ही परचेज किया है। ये जब बच्चे क्रॉल करते हैं ना तो आप उनके नीज पे लगा सकते हो ताकि उनके घुटनों में पेन ना हो, तो इसीलिए उसको सेव करने के लिए हम लोग नी पैड्स यूज करते हैं। तो आपने देखा ये मैंने अंदर वाले पॉकेट में नहीं रखा, बाहर रखा क्योंकि यहाँ से आई थिंक रीच आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा, यहाँ से निकाल के जब भी बेबी आपको लगता है कि उसका क्रॉलिंग टाइम है, एक्टिव है इस टाइम पे बेबी, तो आप ये नी कैप्स जो है उसकी नीज पे लगा सकते हो। तो बेसिकली इससे क्या होता है, बेबी के जो नीज है उसको कुशनिंग मिल जाती है। Thank you.
तो फाइनली इट्स टाइम टू फोल्ड द हैंकीज़। तो हैंकीज़ को भी हम बाहर वाले पॉकेट्स में रखेंगे बिकॉज ये भी बहुत छोटी सी स्पेस लेंगे, तो इसको हम आउटर पॉकेट में ईजिली रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ एक बड़ा वाला हैंकी। एक तो आपने देखा छोटा वाला हैंकी था, ये फेस वाइप करने में बहुत इजी रहता है, बट एक बड़ा वाला हैंकी भी आपको रखना चाहिए। तो ये बड़ा वाला हैंकी भी मैं एक आउटर पॉकेट में रख रही हूँ। एंड लंगोट्स, आपने देखा लंगोट्स भी मैंने सारे फोल्ड कर लिए हैं। ऑलमोस्ट ये 7-8 लंगोट्स है जो कि मिनिमम आपको रखने ही चाहिए। लंगोट्स भी बहुत यूज आते हैं, एटलीस्ट इनिशियल 6-8 मंथ्स में तो बहुत यूज आते हैं लंगोट्स। तो ये भी मैंने एक पाइल लंगोट्स की बना ली है, सारे कलेक्ट करके एक पाइल में रख दिए। फाइनली अब टर्न आई हमारे पी सेफ मैट की, क्योंकि जब भी आपको पी सेफ मैट की ज़रूरत होगी तो आप अपने डाइपर बैग से इजीली उसे ले सकते हो। तो जो बड़ा वाला आउटर कंपार्टमेंट है ना साइड्स पे, वहाँ पे मैं ये पी सेफ मैट रख रही हूँ। बेसिकली मैं 2 पी सेफ मैट्स रखूंगी क्योंकि 2 यूज हो ही जाते हैं। तो जो उसका ऑपोजिट वाला बिगर कंपार्टमेंट है वहां पे मैं ब्लू वाला पी सेफ मैट रख रही हूँ। तो फाइनली हमारा डायपर बैग असेंबल हो गया है। तो आप देख सकते हो कैसे मैंने सब चीज़ें इसमें स्टैक करके रख दी हैं। इजीली सब कुछ दिख रहा है, और अगर आप खुद भी नहीं हो, किसी और को इससे कुछ सामान निकालना होगा तो वो भी इजीली यहाँ से, सब कुछ व्यू में है तो वो इजीली देख सकता है एंड उसको निकाल सकता है।